नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के प्याज के क्या कुछ बाजार चले हैं, मंडी में आज की प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मण के रेट हैं। यहां जो रेट चलता है मण का चलता है भाई साहब के पास, ये दो गाड़ियां ये आई, एक ये आई एक वो आई, ये तो खाली हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं आज का क्या क्या बाजार चला, कहाँ कहाँ के माल आए, क्या कुछ रेट हैं जी, आज प्याज में क्या समाचार है, क्या उठा पटक है। और दोस्तों बातें सबकी सुनते रहो, करते अपने मन की रहो, क्योंकि प्याज अब आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल जिसको ये बोलते हैं, रोक रोक के यानी देख के इंतजार, अब ये गलता जा रहा, खराब होता जा रहा। अपनी गाणी सबकी सुनो, करो अपने मन की। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है जी। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी मार्केट में, क्या पोजीशन जी, क्या समाचार। फ्रेश अराइवल जो है वो एक्चुअल तो 50 गाड़ी है। अच्छा जी, दो गाड़ी नेफेड पे, वो गाड़ी में गिनती है, रिपोर्ट में गिनती में है, लेकिन वो एक्चुअल वो कैंटर है। अच्छा जी, वो जो नेफेड वालों का माल आके यहाँ कुंडली बॉर्डर पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जो ग्रेडिंग करवा रहे हैं उसमें की छाट आ रही है, वही कैंटरों में आ रही है। अच्छा जी, तो वो 200-250 कट्टे का कैंटर आता है। अच्छा जी, दो कैंटर वो नेफेड पे लेके 52 गाड़ी फ्रेश अराइवल है। अच्छा जी, 60 गाड़ी का लगभग नीचे बैलेंस है, तो नेफेड का भी खराब होने लग गया जी। नहीं नहीं, वहाँ से जो पीछे से नासिक से माल आ रहा है उसको यहाँ ये कुंडली बॉर्डर पे ये गोडाउन में वेयर हाउस में रखवा रहे हैं। अच्छा, तो ग्रेडिंग करवा के रखवा रहे हैं। अच्छा तो जी, उसमें की जो छांट निकलती है दो नंबर वही ये यहाँ भेज दे रहे हैं कंट्रोल में भर के। अच्छा जी, वही यहाँ ये बिक रहा है। अच्छा जी, हाँ जी। तो आज की जो फ्रेश अराइवल है वो 52 गाड़ी की है। अच्छा जी, और परसों की 11 गाड़ी मतलब दो गाड़ी कल आई थी इतवार के दिन, दो वो लेके, और 8-9 गाड़ी परसों की मिला के लगभग 11 गाड़ी परसों की खड़ी है। हाँ जी, और लगभग 46 गाड़ी माल नीचे है बैलेंस। अच्छा, मतलब कुल मिला के 105-107 गाड़ी माल है, कोई ज्यादा नहीं मिला के। अच्छा जी, हाँ जी। और इसमें से आप समझो 19 गाड़ी नासिक है। अच्छा जी, 16 गाड़ी पूना है, 14 गाड़ी एमपी है, और 12 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा जी, दो गाड़ी नेफेड वाली है। अच्छा जी जी, तो आज की क्या पोजीशन, ग्राहक क्या कह रहे जी, रौनक कैसी है आज ग्राहक जी, और पिछले हफ्ते से आज ग्राहक ठीक है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो अराइवल भी कम है, तो अगर आज लगभग ऐसा लग रहा है ग्राहक के हिसाब लगभग 60 गाड़ी माल आज बिक जाएगा। अच्छा जी, तो 60 गाड़ी माल बिक जाएगा तो हाँ जी, कुल मिला के ठीक है। मार्केट तो वही सेम ही है, मार्केट में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, मार्केट सेम है बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन यह की आज उठाव ठीक है। अच्छा जी, माल बिक रहे जी, शुद्ध हो रहे जी बस। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, चलो ये भी शुक्र है कि कम से कम पहले बिक्री दबी ही थी। हाँ, अच्छा जी, आज तो ठीक है। तो आज के ये गाड़ी है कहाँ की है जी, कहाँ भाई साहब? एक गाड़ी है इंदौर के, इधर वाली जिसमें तोल चल रही है, इंदौर की गाड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। और ये गाड़ी है राजस्थान की, कुछ अमन की थी, ये बिक गई। अच्छा जी, और पहले वाली पूना थी वो भी बिक गई जी। अच्छा जी, अच्छा। आज का पूना का क्या बाजार चला जी? पूना का बाजार चला है भाई साहब 700 रुपए से लेके 850 रुपए, मासा खोरन जो माल लिया है वो 20 रुपए से लेके और समझो 2100-2121 रुपए तक लिया है, 850 रुपए तक। अच्छा जी, हाँ जी। और जो हल्के भारी माल है वो लेके 600 रुपए से लेके और 750 रुपए के बीच में बिक रहे हैं, यानी 15 रुपए से लेकर 15 रुपए से लेके 18-19 रुपया। अच्छा जी, अच्छा। और जो मासाखोर क्वालिटी माल है वो बिके 20-21 रुपया। अच्छा जी, अच्छा। और जो नासिक की बात करें, नासिक के माल बिक रहे हैं भाई साहब 14 रुपए से लेके और 18-19 रुपए तक। अच्छा जी, 14 से 18-19 रुपए। हाँ जी। और जो एमपी वाले हैं जी, इंदौर वाला जी है, इंदौर वाले मालों की पोजीशन है भाई साहब आप 14 रुपए से लेके 19 रुपया, उसी की तो बता रहा हूँ। अच्छा जी, एमपी की भी यही सेम पोजीशन है, नासिक की भी सेम पोजीशन है। अच्छा जी, अच्छा। एज पर क्वालिटी, अच्छा जो बढ़िया माल है 2-4 लाट बिके हैं 700-721 रुपए के। अच्छा जी, 680 रुपए के, 700 रुपए के, 721 रुपए के, बाकी ज्यादातर माल 600-650 रुपए के बीच में बिक रहा है। जो 19-20 माल है मीडियम सीडियम है वो 550-600 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। और जो ये कुचामन वाली जी कह रहे जी आप, कुचामन वाले मालों की पोजीशन भाई साहब 11 रुपए से लेके और 18 रुपए तक, 11 से 18 रुपए। जो बिल्कुल सुपर माल है एक्स्ट्रा क्वालिटी, वो तो एक आधी गाड़ी होती है वही बिकती है 17-18 रुपए, बाकी ज्यादा माल जो बिक रहे हैं वो आप मान के लो 11 रुपए से लेके 16 रुपए के बीच में। तो पीछे जो प्रोडक्शन मंडी है वहाँ भी कुछ उठा आया जी? वहाँ भी सेमी मार्केट है जी, शनिवार को जो मार्केट खुली थी वही सेमी मार्केट आज खुली है। अच्छा जी, मतलब लेके आप 9 रुपए से लेके और 13-14 रुपया। अच्छा जी, कोई एक आधा लाट एक आधा नगद को एक्स्ट्रा सुपर होता है वो 15-16 बिक जाता है, वो अलग है। अच्छा, ज्यादा माल जो बिक रहे हैं वो 9 रुपए से लेके और 13 रुपए के बीच में ज्यादा बिक रहे हैं। तो इसमें तो अब किसान भी घबरा गए जी, व्यापारी भी घबरा गए जी। किसान इसलिए घबरा है ना, व्यापारी इसलिए घबरा रहा है क्योंकि अराइवल का प्रेशर नहीं टूट रहा है, और किसान घबरा रहा है इसलिए मंडियों में माल का अराइवल नहीं टूट रहा है। अच्छा, किसान इसलिए घबरा है क्योंकि माल रुक नहीं रहा है।
बरसातें सब जगह है, बरसात महाराष्ट्र में भी बराबर है कंटिन्यूड, एमपी में भी कंटिन्यूड है, मॉइस्चराइजर आ रहा है प्याजों पे, प्याजें रुक नहीं रही है, प्याजें खराब हो रही है, इसलिए वो किसान की मजबूरी है, वो माल निकाल रहा है। अच्छा, और वो निकालेगा, रुकेगा भी नहीं। अच्छा जी जी, तो साउथ की कोई पक्की रिपोर्ट आई जी? साउथ की पक्की रिपोर्ट है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ फसल कम है, 35-40% फसल लगी है इस बार, वो भी लेट है। अच्छा जी, वो भी लेट है, अभी वो देखो निकलती है क्या कंडीशन बनती है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये है कि अभी क्योंकि माल रुक नहीं रहे, माल आ रहे हैं, इसलिए अभी ये मान के चलो ये जुलाई तो खत्म होने पे आएगा। मैं आपको जुलाई जब शुरू हुई थी उसी समय से आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब पूरा जुलाई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है मार्केट में, रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे चलेगी। अच्छा, और ये अब ये मान के चलो आपकी 15 अगस्त तक अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो तो मैंने जुलाई जुलाई बोला था। हाँ जी, लेकिन मैं पहले से लोगों को बताता आ रहा हूँ कि भैया अभी 15 अगस्त तक मार्केट में कोई इम्प्रूवमेंट मत समझना, रुपए 2 रुपए अप डाउन हो सकता है। अच्छा जी, कभी अराइवल कम हो गई तो रुपए 2 रुपए बढ़ जाएगा, अराइवल ज्यादा हो जाएगी रुपए 2 रुपए आने घट जाएगा। मार्केट अभी जो चल रही है ऐसे मार्केट लगभग 15 अगस्त तक चलेगी। अच्छा जी, 15 अगस्त के बाद वो भी इसलिए चलेगी क्योंकि माल रुकेंगे नहीं, माल निकल के आएंगे। हाँ जी, और जो पीछे माल निकल के आएंगे मंडियों में अराइवलें बढ़ेंगी तो मार्केट बढ़ेगी नहीं। अच्छा जी, सीधी सी बात है पीछे। हाँ, ये है कि 15 अगस्त तक अभी ये समझो 20-25 दिन में माल काफ़ी निकल जाएगा। हाँ जी, और अगर ये निकल जाएगा और पीछे से 15 अगस्त के बाद अराइवल का प्रेशर थोड़ा कटेगा तो मार्केट अपने आप बढ़नी चालू हो जाएगी। अच्छा जी जी, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है जी? नहीं, अभी ये 15 अगस्त तक तो कोई उम्मीद मत समझो जी। अच्छा, 2 रुपए अप डाउन होगा बस, ये तो काम गड़बड़ होगा जी। नहीं, काहे के गड़बड़ जी, इसमें काहे गड़बड़, उम्मीद लगा के बैठे जिनको और सबको मौका मिल गया। भाई साहब, मैं फोन पे भी जिस किसान ने जिस व्यापारी ने जब भी मेरे से संपर्क किया मैंने सबको यही बात बोला कि भैया अभी जुलाई पूरा समझो और 15 अगस्त में, अगस्त में हो सकता है अगस्त के सेकंड वीक में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। गड़बड़ तो इसलिए बोल रहा जी, पिछले साल भी कुछ नहीं मिला इनको और इस साल तो उम्मीद करी जा रही थी, बरसात को भी खराब करा। मिलेगा, मैं शुरू से आपको एक ही बात कह रहा हूँ, मिलेगा उसी को जिसकी प्याज बहुत बढ़िया है और जिसकी प्याज रुकेगी सितंबर तक, उसी को कुछ मिलेगा। टमाटर वालों को मिल गया, सबको मिल रहा, प्याज वालों को भी मिलेगा, लेकिन अब देखो किसके नसीब में किसको किसको, जिसका बचेगा उसी को तो मिलेगा। जी हाँ जी, ये कहाँ जाएंगे जी, जिनके माल है जी, ये कहाँ रुक सकते हैं जी? ये तो इतने माल एमपी के माल जितने भी आ रहे हैं, एमपी से ग्राहक मजबूरी में ले रहा है, सबसे पहले ग्राहक जो है नासिक। इस समय ना जी फिक्स, इन दिनों में आके इसका फिक्स हो जाना चाहिए, 25-30 रुपए का रेट हो जाना चाहिए जी। देखो जी, हो तो जाना चाहिए, 25-30 रुपए में चाहिए, नहीं तो इससे कम में किसान को कुछ मिलता भी नहीं है, उनका थोड़ा बहुत घर चल चूल्हा चल जाता है इतने। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे कम में तो हम लोग बाढ़ जोकने वाली बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, लेकिन अब ये तो मार्केट है जी, क्या कहा जा सकता है। अब यहाँ पे समझो एमपी से अब सबसे पहले ग्राहक की च्वाइस होती है, सबसे पहले पूना लेता है, इसके बाद नासिक लेता है, नहीं तो इसके बाद तब, नहीं तो पहले क्या होता था हर साल इस समय नासिक और पूना का बिल्कुल यहाँ अराइवल बहुत लिमिटेड हुआ करती थी एमपी के सामने, एमपी और राजस्थान के, हमें सबसे ज्यादा अराइवल एमपी और राजस्थान की ही रहती थी इन दिनों में जी, इन दिनों में। लेकिन इस समय क्योंकि एमपी कम बिक रहा है, कम इसलिए बिक रहा है क्योंकि कितना बढ़िया भी प्याज एमपी की आ रही है, नासिक की प्याज आ रही है, पूना की प्याज, उनमें भी शिकायत आ रही है, लेकिन उनमें है, उनमें ऊपर का दागी है। अच्छा जी। और एमपी में सबसे बड़ी बात है, ऊपर से देखने में प्याज ठीक है, वो मुंह से वो पंचर हो रही है, अंदर उंगली घुस जाती है, वो जहां से डंडी है जी। हाँ जी, अच्छा जी, ये बीमारी है। इस वजह से जो ग्राहक यहाँ से बढ़िया देख के ले जाता है, अगर बाय द वे उसका 2 दिन नहीं प्याज बिकी, उसके पास रुक गई, तो उसमें वो कहता है बहुत जी इसमें तो 2-2 किलो दागी हो गया। हाँ जी हाँ जी, ये कारण पड़ रहा है, इसीलिए एमपी के माल स्लो बिक रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? हाँ जी, आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 9810-15739। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। ये थे दोस्तों आज के दिल्ली में प्याज के रेट। दोस्तों जो भी रेट बताए हैं इन्होंने 40 किलो के मान के रेट बताए।